सेहतमंद जीवन के लिए बहुत ज़रूरी नुस्खे नंबर एक, रोज़ाना 20 से 30 मिनट का समय ज़रूर निकालें वर्कआउट करने के लिए। यकीन मानिए, इससे आप ना सिर्फ बॉडी को फिट रख सकते हैं बल्कि अपनी उम्र के भी कई साल बढ़ा सकते हैं। वर्कआउट का मतलब जिम जाकर घंटों पसीना बहाना नहीं होता, बल्कि घर के नॉर्मल कामकाज से भी आप आसानी से खुद को फिट रख सकते हैं। नंबर दो, सुबह की धूप बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा धूप सेकने से कई तरह की स्किन समस्या भी दूर रहती है, और तो सुकून भरी नींद के लिए भी धूप का सेवन जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन पैदा होता है जो अच्छी नींद के लिए जरूरी माना गया है, और थोड़ी देर धूप में बैठने से स्ट्रेस भी दूर होता है। नंबर चार, बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ ही शरीर के कई जरूरी फंक्शन के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। दिन भर में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। गुनगुना पानी पीना और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है, इससे पाचन तो सही रहता ही है, साथ ही मोटापा भी कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर पाँच, ड्राई फ्रूट्स पर नज़र रखें। खुबानी, अंजीर और आम जैसे स्वादिष्ट सूखे फलों में चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका सेवन नियंत्रित रखना जरूरी है। 30 ग्राम या लगभग 1 चम्मच खाने का लक्ष्य रखें, जो आपके दिन भर के 5 फलों में से एक है। नंबर छः, अदरक और शहद का इस्तेमाल करने से आपकी सर्दी जुकाम और गले की खराश दूर हो जाती है। कोरोना में सभी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। नंबर सात, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है और आप इसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दें कि आप हल्दी के सेवन से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप हल्दी में दूध डालकर रोज़ाना पीते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट है। नंबर आठ, बच्चों के पेट के कीड़े। छोटे बच्चे के पेट में कीड़े हो तो सुबह एवं शाम को प्याज का रस गर्म करके एक तोला पिलाने से कीड़े अवश्य मर जाते हैं। धतूरे के पत्तों का रस निकाल कर उसे गर्म करके गुर्दों पर लगाने से या छूने से आराम हो जाता है। नंबर दस, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उबालना। वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो पानी को अगर केवल 5 मिनट तक भी उबाला जाता है तो इससे पानी शुद्ध हो जाता है। इसलिए बरसात के मौसम में जब बीमारियां बढ़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, तब लोगों को पानी उबालने के लिए कहा जाता है। इससे दूषित पानी से होने वाले डैमेज से हेल्थ को सुरक्षित किया जा सकता है। नंबर 11, अगर आपके हाथ पैरों में कंपन की समस्या रहती है तो आप रात के खाने के बाद लौंग चबाकर गर्म पानी पी लें, आपको इस समस्या से आराम मिल जाएगा। नंबर 12, सफ़र के दौरान अगर उल्टियां होती है तो लौंग का पाउडर और शक्कर का मिश्रण खाएं, या फिर नींबू पानी पिए, या फिर तुलसी की पत्तियां खाएं, इससे बेहद फ़ायदा होगा। नंबर 13, रोज़ाना कम से कम आधा कप बीन्स आपकी सेहत पर सकारात्मक असर डाल सकती है। आप अपनी रोज़ाना की खुराक में काले, गरवानी और सफ़ेद बीन्स को शामिल करें। इन बीन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही यह बेहद फ़ायदेमंद होती है। नंबर 14, कान की फुंसी। लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल को सुबह, दोपहर और शाम को कान में 2-2 बूंदें डालने से कान के अंदर की फुंसी बह जाती है और बैठ जाती है और दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 15, प्याज के रस में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों का झड़ना भी रोकता है, और गठिया यानी जोड़ों के दर्द से परेशान हो तो प्याज के रस से मालिश करने से आराम मिलता है। नंबर 17, कोरियाई महिलाएं दिन में लगभग 30 बार खुद को थप्पड़ मारती हैं। उनका मानना है कि चेहरे पर थप्पड़ मारने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है। नंबर 18,
मस्तिष्क की कमजोरी, मेहंदी का बीज अठन्नी भर पीस कर शुद्ध शहद के साथ प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाती है और स्मरण शक्ति की ठीक होती है और सर दर्द में भी आराम हो जाता है। नंबर 19, बालों को जल्दी से घना बनाने के कई उपाय हैं, खास तौर पर नियमित रूप से डीप कंडीशनिंग करना, आरंडी और नारियल का तेल इस्तेमाल करना, रोजाना बालों को साफ पानी से धोना, संतुलित और पोषण युक्त आहार का सेवन करना, भरपूर पानी पीना और कम तनाव लेना आपके बालों को जल्दी घना बना सकता है। नंबर 20, महिलाएं समय की कमी के कारण रात में ही सब्जियां काट कर रख लेती है ताकि अगले दिन झटपट उसे बना लें, लेकिन ऐसा करने से कई बार सब्जियां काली पड़ जाती है। ये काली ना पड़े इसके लिए सब्जियों को हमेशा नमक के पानी में डालकर फ्रिज में रखें। नंबर 21, केले को दही के साथ खाने से मोटापा कम होता है और दूध के साथ खाने से दुबले पतले लोगों का वजन बढ़ने में मदद करता है। नंबर 22, पतले बालों को घना बनाने के लिए आपको वास्तविक मछलियाँ, अंडे, दाने और बीज, दही, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, शकरकंदी खानी चाहिए। शकरकंदी में पर्याप्त मात्रा में बीटा पाया जाता है। नंबर 23, लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकलता है उसे फेंकने के बजाय आटा गूंदने में इस्तेमाल करें, इससे पराठे सॉफ्ट होने के साथ ही काफ़ी टेस्टी भी बनेंगे। नंबर 26, आपकी त्वचा के लिए एलोवेरा एक नेचुरल पावर हाउस कहा जाता है। इसके लिए आपको नेचुरल एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर लगाना है और धोने से पहले करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आपके चेहरे पर परमानेंट ग्लो आ जाएगा। नंबर 27, भोजन करने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 28, सही डाइट ना लेना। गर्मियों के दिनों में कुछ लोग अपनी डाइट का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मौसम के अनुसार डाइट लेने पर ही बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है और ऐसा न करने पर कई बीमारियां बढ़ जाती है। नंबर 29, सही डाइट न लेने के हार्ट अटैक के मरीजों को भी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के खतरे को भी बढ़ा देता है। नंबर 30, अगर लोग 80 की उम्र में स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो उनके 100 साल तक जीने की संभावना अधिक होती है। जीवन शैली से जुड़े मुख्य कारकों में धूम्रपान न करना, अलग अलग तरह का आहार लेना और व्यायाम करना शामिल है। नंबर 31, अगर आप अपने चेहरे पर होने वाले कील मुहासों से परेशान हैं तो इसके पीछे रात में मेकअप रिमूव न करना भी है। वास्तव में जब आप रात में सोने से पहले मेकअप नहीं उतारते तो उससे आपके स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर स्किन में कई तरह की समस्या हो सकती है। नंबर 33, हमें पता होना चाहिए कि अरबी लोग नाक में तेल क्यों लगाते हैं, क्योंकि नाक में तेल लगाने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। नंबर 34, नींद का बहुत बड़ा रोल है शरीर और मन को स्वस्थ रखने में। सुकून भरी नींद आप दिन भर फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं, किसी काम का फोकस कर सकते हैं, याददाश्त दुरुस्त रख सकते हैं और डाइजेशन भी सही रहता है। तो अच्छी नींद के लिए बिस्तर पर जाने के बाद मोबाइल, टीवी आदि का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। नंबर 35, बहुत ज़्यादा फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बाल झड़ने लगते हैं, बाल कमज़ोर होने लगते हैं और आपको बहुत सारी पेट की समस्याएं होने लगती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य चीज़ों के लिए हैं। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन नियमों को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।